नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और 2019 की तरह ही इस बार भी सामाजिक सम्मेलन करके आम जनता के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के पंचायत राजभवन में पिछड़ा वर्ग नाई समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामचंद्र प्रधान को दी गई थी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश के सभी 135 करोड़ के लोग उनका परिवार है और इसी कार्यक्रम में हमारी सहयोगी श्वेता गर्ग ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। इस वक्त हम लोग पंचायत भवन के सामने खड़े हुए हैं जहां पे सामाजिक सम्मेलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये सामाजिक सम्मेलन के लिए बात चल रही थी, जहां पर बीजेपी ने सपा और बसपा पर हो रहे जो जातिवाद पर है, जातिवाद को अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके के सामाजिक सम्मेलन के लिए बात की थी। हम आपको बता दें कि इस तरीके से सम्मेलन लगातार जारी हैं और ऐसे ही आज पंचायत भवन में भी एक सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें नाई वर्ग का सम्मेलन हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी नाई वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सम्मेलन लगातार जारी है और ये सम्मेलन में तमाम लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और किस तरीके के लोग हैं उनका क्या कहना है, सीधे आज हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि उनके प्रमुख भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। तो नाई वर्ग को लेकर उनका क्या कहना है, क्या बीजेपी जो 2022 का जो चुनाव है उसमें अपनी पैठ बना पाएगी और क्या नहीं बना पाएगी और इससे क्या चीज़ क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, सीधे बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार वर्मा, भारतीय जनता पार्टी पिछला वर्ग मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से बीजेपी ये जो 2022 के चुनाव को लेके जिस तरीके से ये सामाजिक सम्मेलन कर रही है, उस सामाजिक सम्मेलन से लगता है कि कुछ फायदा मिलने वाला है बीजेपी? बिल्कुल अवश्य, ये हमारे मोदी जी की जो विचारधारा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेके चलना चाहते हैं। हर किसी का समय आ रहा है, हर जो अभी तक का शोषित समाज था, वंचित समाज था, दलित समाज था, मतलब पिछड़े में भी उनकी कुछ जातियां ऐसी थी जिनकी दलितों से भी बदतर हालत थी, उनकी तरफ आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने उनकी तरफ नज़र तक नहीं घुमाई। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो हर एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक और दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में योगी जी और मोदी जी दोनों अपना जी जान लगाकर रात दिन काम करके समाज के, देश के गरीब वंचित दलित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी इस तरह से इतनी प्रतिबद्धता के साथ किसी समाज के साथ अभी तक किसी ने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई उन हितों के लिए, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता में, संगठन में स्थापित करने का काम कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, सारे के सारे जितने भी पद थे नौकरियों में, जितने पद थे किसी एक समाज को दे दिए जाते थे और UPPCCS में 80 से 85% सारे जितने भी नियुक्त सिलेक्शन हुए टोटल किसी एक समाज को लेके हुए। ये समाज था, ये समाजवाद था। आज अगर तो भारतीय जनता पार्टी सच्चे समाजवाद की स्थापना कर रही है तो सारे दलों को बड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सच्चे समाजवाद की स्थापना अगर कर सकती है भारत में और उत्तर प्रदेश में तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। अच्छा, वैसे ही कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन जब शुरू हो जाता है, जब ऐसी इलेक्शन जैसी चीज़ें सामने आने लगती हैं तो उस टाइम पे ये जो कार्यवाही है, इस तरीके से सम्मेलन शुरू हो जाते हैं, हर कोई हर एक को पूछने लगता है, उस पर आप क्या? मैम, योगी जी देखिए हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है,
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यकीन मानिए मैं हरवन जायसवाल नन्ना यही उत्तरी मंदिर टीन से हूँ, मंत्री का पद पाया हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे पद मिला है और इसी पार्टी में मिला है। पद मिला है इसलिए आपको ऐसा लगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, पर हमने काम किया है भारतीय जनता पार्टी को देखते आ रहे, सबको लेके वो चल रही है। आप समझ लीजिए योगी जी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि देश में थोड़ा सा बहुत ठहराव आया है, गुंडागर्दी कम हुई है। आप सोचिए सब सेफ हैं, महिलाएं तो अभी आप जैसे गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन आए दिन अभी जो हत्याएं हो रही हैं और इस तरीके के वारदात देखने के लिए मिल रही हैं और बलात्कार भी बहुत सारे हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? मैम आप सही कह रहे हैं, देखिए योगी जी के संज्ञान में जो भी मामला आता है, आपने व्यक्तिगत देखा होगा योगी जी तुरंत उस पर एक्शन, ऐसा तो है ही नहीं कि योगी जी एक्शन नहीं लेते, योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं और उनका प्रभाव ऐसा है कि गुंडे अपना घर छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है उनके गुंडे अपना घर छोड़ रहे, और जब घर छोड़ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर सब डेवलपमेंट होगा ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, एकदम से तो कोई कर नहीं पाएगा। देश को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग का योगदान रहेगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, ठीक है, हम लोग योगदान देंगे, ऊपर मुख्यमंत्री जी संभालेंगे, प्रधानमंत्री देश संभाल रहे हैं, अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जवानों को संभाल रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि अभी योगी जी के संज्ञान में जब चीज़ें आती हैं तो वो तुरंत उसका निस्तारण किया जाता है, तुरंत उसकी बात की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें वो किसान वाला जो अभी मुद्दा अभी चला है जिसमें अजय के जो पुत्र ने जो गाड़ी चढ़ाकर किसानों पर है, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर क्या चीज़ कहेंगे आप बताइए? किसानों पर क्या, जो वहाँ पर धरना कर रहे हैं वो मुख्य रूप से कांग्रेसी हैं, सब सिख लोग हैं, सब कांग्रेसी विपक्ष है, एक षड्यंत्र के तौर ये धरना किया जा रहा है जिससे कि सरकार की बदनामी हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर विरोधी पार्टियां करवा रही हैं। वो तो है, लेकिन इन्होंने बोला ना अभी, ये इन्होंने बोला कि हाँ योगी जी के तत्वदान में जैसे ही आता है तो उस काम का निस्तारण हो जाता है, तुरंत हो जाता है, वो अभी तक सॉर्ट क्यों नहीं हुआ, अभी तक उसको सुलझाया क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है उस पर, जो टिकैत जी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उस पर आगे कार्रवाई चल रही है, योजना बन रही है, योजना बनते ही सारी समस्या का हल हो जाएगा। और उसके बाद आओ सुनो, किसान आदमी कितना खुश है, 15 दिन गल्ला मिलता है, उसके बाद में देखो घर घर में शौचालय, हाँ ग्राम निधि मिल रही ग्राम, और उसके बाद में शौचालय घर घर में, और उसके बाद गुंडागर्दी बंद है, और योगी का मोदी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में हमारा परिवार मानने के चलते योगीनाथ, और मोदी जी कह रहे हैं मैं पूरे भारत का परिवार मानने के चलते, ये लोग अपने घर में सबको टिकट दे देते हैं, आयुष्मान और हम मैं मानी जितने प्रसाद जो इतने सज्जन इतने महान व्यक्ति ने कोई दाब धक्का नहीं, उनके साथ हम भी आ गए, हमारा नाई समाज जो है पूरा जो है रामचंद्र प्रधान योगी के साथ और जितने प्रसाद के साथ है जी। अच्छा हमारे साथ और आप क्या कुछ और बोलना चाहते हैं? आपने पूछा, मैं आपको बता दूँ जो गाड़ी चढ़ाई गई है और उस पर व्यक्तिगत अगर आप देखिएगा, जो गाड़ी चढ़ाई गई वो जब रूट बदल गया, कुछ गाड़ियों का रूट अलग चला गया, कुछ का रूट अलग चला गया, जो गाड़ियों का रूट जाना था वो गाड़ी उस डायवेट पे नहीं गई, और वहाँ पे इतने किसान के नाम पे जो धरना दे रहे थे उन्होंने पीछे की गाड़ियों को शीशा तोड़ा गया, देखिए मेरी बात समझिएगा, और जब चार व्यक्ति गाड़ियों से चलता हो काफिला उसका रूट बदल जाता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को डर लगता है, भाई जब पत्थर पीछे चल चुका है तो वो भागेगा तो आइए, और जब 1000 लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे तो भागेगा नहीं, भागे में मैम देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, जान मुझके नहीं चढ़ाई गई है, उन्होंने अपनी भी जान बचाने के लिए, वो ऐसा नहीं किसान विरोधी होंगे, वो गए थे किसानी के लिए, पर कुछ माहौल ऐसा हो गया मैम, और किसने किया किसने कराया इस पर जांच कराइए, इस पर होना चाहिए वो व्यक्तिगत, अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, फंस जाऊँ 100 लोग मुझे घेर ले तो मैं अपनी जान बचाऊँगा। फिलहाल अभी किसान पे बहुत सारी बातें अभी बनी हुई हैं, किसानों पे बहुत सारा मुद्दा भी बना हुआ है, उसमें कौन चीज़ क्या चीज़ सही होगा, फिलहाल यहाँ पे नाई वर्ग के लोग हैं और उनसे हम और भी चीज़ जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सम्मेलन किए जा रहे हैं उस सम्मेलन से इनको क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं और किस तरीके की उम्मीदों पर क्या वो चीज़ खरी उतर पाएगी। तो हमारे साथ अभी क्या नाम है? बबलू सैन जी। बबलू जी आप बताइए कि जिस तरीके से सम्मेलन किए जा रहे हैं, जो 27 दिन तक लगातार सम्मेलन चल रहे हैं, उस सम्मेलन से आपको लगता है कि ये चीज़ जो मोदी जी ने जिस चीज़ को सोचते हुए ये सम्मेलन चलाया है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और हमको पता है कि इसी सरकार में हमको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आज तक बसपा भी आई है सपा भी आई है और जो है हमने कांग्रेस भी देखी है, ऐसी नहीं है, लेकिन कहीं पर भी
हमारे समाज को लेकर के और छोटे समाज को लेकर के कहीं कोई पूछ नहीं होती थी, हमेशा एक वर्ग के लोग ही चलते थे उनको साथ में लेकर के, और एक वर्ग के लोगों को ही आगे नौकरी में और राजनीति में प्रावधान मिलता था, और अपने घर परिवार का ही वो लेकर चलते थे। आप ये देख लीजिए, समाजवादी को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, सब के सब उनके परिवारवाद से ही चलता आ रहा है। एक सिर्फ भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका विकास लेकर चलती है। अभी अभी इन्होंने बताया कि वो सबका साथ सबका विकास कर रही है मोदी सरकार, लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार काम करेगी। हमारे साथ अभी एक और जन मौजूद है, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार काम करने वाली है और इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आप? आनंद कुमार गुप्ता, मैं सह मीडिया प्रभारी हूँ क्षेत्र का, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का। और जो ये भारतीय जनता पार्टी अभी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन करा रही है, तो ये सभी समाजों को प्रतिनिधित्व का मौका दे रही है। सबका साथ सबका विकास का ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि सभी समाज को प्रतिदिन मौका दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर के लोग आकर अपना संबोधन रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे, केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने 27 सांसदों को, पिछड़े वर्ग के सांसदों को वहां पर दिया है। तो इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबका साथ सबका विकास पूर्णता पालन कर रही है मोदी सरकार। आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं मोदी जी से कि अगर वो आते हैं तो इस बार आप लोगों के लिए वो क्या करे और क्या ना करे, क्या मांगे रहेंगी आप? देखिए, हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार ने हर स्तर पे, शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य के स्तर हो, जीवन का स्तर हो, उसको सुधारने की कोशिश की है। जो सबसे निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति है उसके बारे में भी अंत्योदय का लक्ष्य लेकर पंडित दीनदयाल जी का, स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी का सपना पूर्ण कर रहे हैं। और ऐसे मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी जी महापुरुष हैं, जो हर तरीके के और गरीब से गरीब लोगों की चिंता रहती है उनको। अपने जन्मदिवस को भी वो सैनिकों के साथ ही मनाते हैं, तो कभी भी उन्होंने मतलब बहुत उस तरीके से नहीं मनाया कि जो है बहुत दिखावे का जन्मदिन मना रहे हों। वो राष्ट्र को ही समर्पित अपना जीवन कर चुके हैं, और उनके शासन में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उस पर हमें गर्व महसूस होता है। और हम सब एकजुट होकर 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं कि जिस तरीके से मतलब यहाँ पे लगातार जो सामाजिक सम्मेलन चल रहा है, उस सामाजिक सम्मेलन में तमाम लोग मौजूद हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। सबका यही कहना है कि जो मोदी सरकार इस टाइम पे कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और लगातार करती रही है। हमारे साथ अभी कुछ लोग भी और भी मौजूद हैं कि वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या वो बोलना चाहेंगे। तो आपका नाम क्या है? विजयपाल। विजय जी, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी यहाँ पे जो सामाजिक सम्मेलन चल रहा है, उस सामाजिक सम्मेलन में आपकी क्या राय है? ये जो सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन से आपको लगता है कि जो चीज़, जिस चीज़ को सोच के ये सम्मेलन किया जा रहा है वो चीज़ पूरी हो पाएगी, आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी और आप जो सरकार से चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा? समस्या तो अब पूरी होंगी, अब योगी जी तो यही बताए हैं, अब आगे चल रहा कार्यक्रम को मतलब होना ही चाहिए समस्या तो पूरी, इसी उम्मीद से हम लोग आए हुए। फिलहाल ये अपनी उम्मीदें कुछ लेके आए हैं, इनको उम्मीद लगती है कि इस तरीके की चीजें होंगी। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है, वो लोग क्या कहते हैं सीधे उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग गुजरात धाकड़ी। क्या नाम है आपका? गुजरात धाकड़ी हमारा नाम है। हम फतेहपुर जनपद से आए हैं। फतेहपुर जनपद में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कर्पूरी प्रतिमा स्थल बनवाया गया था, उसमें कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा रखी थी। 2020 में जिला प्रशासन ने जो है महाशिवरात्रि के पर्व में उसको हटा दिया। हम लोग चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर देशभक्त थे और जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बिहार जैसे राज्य के दो दो बार चीफ मिनिस्टर रहे, और इस तरह के महापुरुष का अपमान, मूर्ति हटा के जिला प्रशासन द्वारा कहीं अंतत जगह पर गायब कर दिया गया। जब इस तरह महापुरुष का जो है अपमान, भाई पहले अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़ित हुए, अब ये सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ बैठते हैं, इनके द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, तो इस समाज का उत्थान कैसे हो पाएगा? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि समाज का उत्थान होगा, और कर्पूरी ठाकुर ये सभ्यता समाज के जो है ये पूरे विश्व के, भारत के गौरव थे, और उनका
तरह से अपमान हुआ तो ये समाज का कहाँ वो सत्कार हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो मूर्ति वहीं पुनः स्थापित हो और ये हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। हमारे जनपद से सैकड़ों लोग यहाँ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था लेकिन हमको मौका नहीं मिल पाया ज्ञापन देने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ये आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और हमारी कर्पूरी ठाकुर की जो प्रतिमा वहाँ से उखाड़ी गई है ससम्मान उसको वापस किया जाए। अगर ये 15 नवंबर तक इसमें कोई निराकरण नहीं होता तो हम लोग भूख हड़ताल के लिए वहीं जिला कलेक्ट्रेट फतेहपुर में अपने दल बल के साथ बैठने का काम करेंगे और ये हमारी आवाज़ आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए। इनका कहना तो ये है कि जो कर्पूरी ठाकुर महाराज की जो मूर्ति थी वो तोड़ दी गई थी, उस वजह से काफी हटा दी गई है। फिलहाल ये उससे काफी नाराज हैं और इसी के लिए ये ज्ञापन यहाँ पर देने के लिए आए थे कि इस तरीके से काम ना किया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो ये लोग 15 नवंबर से वहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है, क्या उन लोगों की भी शिकायतें कुछ हैं या जो अभी सम्मेलन चल रहा है उस सम्मेलन के चलते वो लोग इससे मतलब उसमें सम्मेलन से इनको लगता है कि वो फायदा हो पाएगा? तो हमारे साथ क्या नाम है आपका? मैं विजय गोपाल सविता, जिलाध्यक्ष कानपुर नगर से आया हूँ, सविता महासभा से। मैं भी कर्पूरी ठाकुर की जी की मूर्ति हटाई गई है उनके समर्थन में हूँ और ये गलत है जो मूर्ति वहाँ से हटा करके दूसरी जगह स्थापित करना है। हम लोग समाज के साथ हैं और ये लोग हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमको अपने साथ रख करके दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अनैतिक कार्य नहीं चल पाएगा। अगर यही रहा तो 2022 के चुनाव में हम दिखा देंगे कि सविता समाज क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये जो है बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारी बिरादरी के साथ। इस पर हम लोग कड़े समर्थन से इसका विरोध करेंगे और आपस में एक संगठन हम लोगों ने जो तैयार किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा से भी आए हैं, फतेहपुर से भी आए हैं, झांसी से भी आए हैं लोग, हम सब लोग बदायूं से, हम सब लोग इसका सब संगठित होकर समाज को, और फिर हम दिखा देंगे कि हमारे समाज में भी कुछ है। ठीक, अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करी है और सबका कोई निराश भी है कोई खुश भी है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से सम्मेलन किए जा रहे हैं वो सम्मेलन से फ़ायदा भी होने वाला है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उनके जो कर्पूरी मूर्ति थी वो हटा दी गई है और उनका नाराज़गी इस पर जताई जा रही है कि अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो वो आगे जो सम्मेलन करके वो किस तरीके से फ़ायदा करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर संशय बना भी हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इससे फायदा होगा क्योंकि जो आज मौजूदा जो सरकार है वो आने वाले दिनों में भी इनका साथ, सबका साथ और सबका विकास लेके चलेगी और इसी तरीके से ही आगे वो कार्यवाही भी करेगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ।